पंचायत पागबड़ा के जूनियर हाई स्कूल के मीटिंग हॉल में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में ट्रेनर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नई शिक्षा नीति पर होने वाले बदलाव पर जागरूक किया गया। 3 दिवसीय ट्रेनिंग के अंतिम दिवस खेल खेल में बच्चों को मोटिवेट करने पर बताया गया। ट्रेनर के रूप में मौजूद रही कौशल्या देवी, मुख्य सेविका व ममता सिंह द्वारा सभी आंगनबाड़ियों को विभिन्न बिंदुओं पर बताया गया। पोस्टर के माध्यम से अंकों का ज्ञान, साथ ही रंगों के माध्यम से फलों की पहचान कराना और वेस्ट मटेरियल से किस तरह से घर की साज सज्जा की जा सकती है जैसे बिंदुओं पर जागरूक किया गया। 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनरों द्वारा सिखाई गई जानकारियों पर जब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से बात की गई तब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा बताया गया कि आज उनको इस ट्रेनिंग हॉल में बहुत अच्छा लग रहा है और 3 दिन लगातार सीखने के बाद उन्होंने ये महसूस किया है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव होने हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा कहा गया कि अब हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर और बेहतर तरीके से नौनिहालों को पढ़ा सकते हैं। क्या सीखा 3 दिन की ट्रेनिंग में? शारीरिक विकास, बच्चे के मानसिक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, बच्चों के विकास के बारे में, बौद्धिक विकास, रचनात्मक विकास। ट्रेनिंग से पहले आप कैसे सिखाते थे और अब क्या बदलाव देखने को मिला है? अब पहले थोड़ा कम सिखाते थे, अब बच्चों को शारीरिक विकास के बारे में, बौद्धिक विकास के बारे में, उन्हें पत्तियों द्वारा जैसे सिखाते हैं, छोटे बड़े का ज्ञान सिखाते हैं और चार्ट के माध्यम से उनको जो है भावगीत कराते हैं और कैलेंडर के माध्यम से उनको जो है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कौन सा दिन आता है। आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा बच्चों को? जी, बहुत फ़ायदा होगा इससे। हमारा बच्चा जब पहली क्लास में जाएगा तो बहुत कुछ तैयार हुआ होगा, पहले से बहुत कुछ सीख चुका होगा जो पहले से नहीं होता था, अब वो होगा। भावगीत और कहानियों का क्या उद्देश्य है इस तरह? इसमें भावगीत से बच्चों को ये कि पोयम के थ्रू सब बच्चों को ये बताया जाए उनकी एक्टिविटी, शारीरिक वृद्धि, उनके मानसिक वृद्धि, उनके बौद्धिक वृद्धि और उनकी सामाजिक वृद्धि हो और रचनात्मक वृद्धि भी। कौन लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है? ये हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। कौन लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है आज? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है सभी क्षेत्रों की, मुरादाबाद देहात की। क्या बताया गया है इनको आपके द्वारा? हमारे द्वारा ये बताया गया है कि ECC जो है शिक्षा के अधिकार के अधिनियम, अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें को सरकारी स्कूलों से जोड़ा जाएगा, तो उसके थ्रू हमें छोटे बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि वो जब सरकारी स्कूल में जाएं तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ना तो गणित के माध्यम से ना हो, ना हिंदी के माध्यम से हो, ना ही उन्हें उठने बैठने में कोई परेशानी हो, सब चीज़ों की जानकारी दी गई है इन लड़कियों को। आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा होने वाला है इस ट्रेनिंग से? आने वाले दिनों में इसलिए होता है कि जो हम करते हैं वो बेस होते हैं, आधार होते हैं समाज के, तो हमें उन्हें आधार को पक्का करना है कि जब वो बाहर आगे जाएं तो उन्हें इस तरीके से जाएं कि वो पूरे प्रिपेयर हों आगे बढ़ने के लिए। ठीक। इस मौके पर सीमा रानी, अनीता चौधरी, सुलक्षणा, संगीता, पूजा सैनी, सुनील गुप्ता, रीना, शाहिदा, ओम लता हरद्वारी, रेहाना आदि भी मौजूद रहे।